खबर गढ़वा से, जहां अजगर ने बुजुर्ग को निशाना बनाया। स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग की हालांकि जान बचा ली। अजगर के चंगुल से बुजुर्ग को छुड़ा लिया। पूरे शरीर से लिपट चुका था अजगर। इलाज के लिए अस्पताल में बुजुर्ग को भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर देखिए आप, कैसे अजगर ने धर दबोचा था, लेकिन ग्रामीणों की ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर के चंगुल से बुजुर्ग को छुड़ाया और अस्पताल में भर्ती कराया है उस बुजुर्ग को। अजगर के चंगुल से बुजुर्ग को बचाया गया। गढ़वा से आसिफ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आसिफ, ये अचानक से अजगर ने उस बुजुर्ग को धर दबोचा और उसके चंगुल से कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने निकाल लिया आखिरकार। देखिए आरती, है इस एरिया में लगातार इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले भी हम लोग ने खबर को दिखाया था कि अजगर मछली मारने गया, कि वो अजगर अपने कब्जा में ले लिया था। उसके बाद ये मामला देखिए, गढ़वा प्रखंड का ही मामला है, जहाँ एक परिहारा पंचायत खीसा सोती गाँव का मामला है, जहाँ पे नशा में व्यक्ति था और ये जंगल एरिया से गुजर रहा था और एक जगह पे लेट गया। उसके बाद समझ में आया तब जब इसको गर्दन इसका पकड़ लिया अजगर, काफी मशक्कत के बाद इस व्यक्ति को निकाला गया। कुछ हल्की चोट भी आई, चोट आने के बाद इसको स्थानीय जो उपचार केंद्र थे वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन फिलहाल स्थिति उसकी ठीक ठाक है। लेकिन जिस तरह से हमलाएं हो रही हैं, ये काफी मतलब दूसरे तरीका से हम देख सकते हैं इसको, क्योंकि जंगल में लगातार लोग जा रहे हैं, दूसरे तीसरी घटना है इस तरह से होना, तो काफी कहीं कहीं वन विभाग की लापरवाही है। वन विभाग को चाहिए कि ऐसे एरिया को चिन्हित करें। आशीष, तो क्या बाद में वन विभाग की टीम पहुंची वहां पर? वन विभाग की टीम तो नहीं पहुंच पाई, स्थानीय लोगों की मदद से फिर उस अजगर को छुड़ाया गया। इसके पहले भी जो मामला हुआ था वहाँ भी स्थानीय लोगों की मदद छुड़ाया गया, तो कहने की वन विभाग की लापरवाही हम बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे एरिया को चिन्हित करें जिस एरिया में अजगर का इस तरह से हुआ है, वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करें कि ताकि उस एरिया में ना जाए, और जाए भी तो सुरक्षित रहे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।